आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। इंडियन आइडल शो से हाल ही में सवाई भट्ट बाहर हो गए। हालांकि उनका एलिमिनेशन दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आया। सवाई के बाहर होते ही एक बार फिर शो चर्चा में छा गया। दर्शकों ने इंडियन आइडल पर पक्षपात के आरोप लगाए और शो के फिक्स्ड होने की बात भी कह डाली। सवाई भट्ट के एलिमिनेशन के बाद से उनके फैन काफी दुखी हैं, लेकिन अब उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल 3 जुलाई को हिमेश रेशमिया के एल्बम में सिंगर सवाई भट्ट गाना गाते नजर आएंगे। खबर है कि हिमेश के दिल से एल्बम में सिंगर सवाई भट्ट सांस से सॉन्ग गाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हिमेश रेशमिया ने सवाई भट्ट के साथ अपना म्यूजिक एल्बम लाने का ऐलान किया था। सवाई भट्ट के करियर में यह पहला मौका है जब वो इतने बड़े एल्बम में अपनी आवाज देंगे। जानकारी के मुताबिक सवाई भट्ट ने भी गाने को लेकर खास तैयारी की थी। अब देखना होगा कि एल्बम डेब्यू में सवाई भट्ट अपनी आवाज से सुरों का जादू चलाने में कितने सफल हो पाते हैं। आपको बता दें कि 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता के बाद अब रॉक स्टार हिमेश शमिया 3 जुलाई को एल्बम हिमेश के दिल से का गाना सांसे रिलीज करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस गाने में सवाई भट्ट को भी धमाल मचाते देखा जा सकेगा। इससे पहले हिमेश रेशमिया ने लिखा, कंपोजर के तौर पर मेरा पहला और नया एल्बम हिमेश के दिल से मेरे म्यूजिक लेवल हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर रिलीज होगा। इस गाने को सवाई भट्ट ने गाया है और यह एक सुंदर रोमांटिक गाना है। आप सभी को गीत और गाने में सवाई की आवाज पसंद आएगी। उन्होंने धुन को बहुत सावधानी से गाया है, भले ही यह उनके लिए डेब्यू की तरह है। हिमेश आगे लिखते हैं, इसे अपना सारा प्यार दें, जिस तरह से आपने सुरूर 2021 टाइटल ट्रैक और मूड्स विद मेलोडीज के तेरे बगैर को दिया। दोनों एल्बमों की ब्लॉकबस्टर सफलता मुझे विश्वास दिलाती है कि ये गाने हर म्यूजिक लवर के लिए उनकी प्रायोरिटी थे। सुरूर 2021 के टाइटल ट्रैक को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। कुछ ही दिनों में 55 मिलियन प्लस व्यूज और 11 मिलियन प्लस ऑडियो स्ट्रीम के लिए शुक्रिया। ऐसे ही प्यार हिमेश के दिल से को भी दें, जिसे सवाई ने गाया है। आप सभी को प्यार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज़।